मैं जिस बिरादरी से आता हूं उस बिरादरी की पहचान बन गई है कि चुनाव के पहले जो बातें करते हैं चुनाव के बाद भुला देते हैं, लेकिन मैं उस बिरादरी में अपवाद हूं। और इसलिए मैं आपको याद कराता हूं कि मैंने कहा था कि मेरे तीसरे टर्म में देश तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनेगा। भारत बहुत सदैव हुए कदमों से लगातार आगे बढ़ रहा है। साथियों, जब 2014 में आप सब ने हमें देश की सेवा करना का अवसर दिया, 14 में जब हमारी सरकार बनी, तो सबसे बड़ा प्रश्न यही था कि इकोनॉमी को वापस पटरी पर कैसे लाएं। 2014 के पहले की फ्रेजाइल फाइव वाली स्थिति और लाखों करोड़ के घोटालों के बारे में यहां हर किसी को पता है। हमारी इकोनॉमी की क्या स्थिति थी, इसकी बारीकियां सरकार ने व्हाइट पेपर जारी करके देश के सामने रखी है। मैं उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप जैसे लोग, आप जैसे संगठन उस पर जरूर अध्ययन करें, आपके यहां डिबेट करें कि हम कहां खड़े थे और कैसी बीमारियों के शिकार हो गए थे। भारत और भारत के इंडस्ट्री को उस महासंकट से निकालकर हम इस ऊंचाई पर लाए हैं। अभी कुछ दिन पहले ही बजट आया है और मैं देख रहा था, एक अच्छा डॉक्यूमेंट आपका बना है, मैं अभी अभी देख रहा था, मैं जरूर अध्ययन करूंगा उसका। और जब बजट अभी अभी आया है, आप भी बजट की चर्चाओं में अभी भी व्यस्त हैं, तब बजट से जुड़े ही कुछ फैक्ट्स मैं आज आपके सामने रखना चाहूंगा। फ्रेंड, 2013-14 में जब पिछली सरकार का आखिरी बजट आया था, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के सरकार का लास्ट बजट, वो 16 लाख करोड़ रुपए का था, 16 लाख करोड़। आज हमारी सरकार में ये बजट 3 गुना बढ़कर 48 लाख करोड़ रुपया पहुंच गया है। कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसे रिसोर्स इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा प्रोडक्टिव माध्यम कहा जाता है, और उसका आंकड़ा बहुत ही इंटरेस्टिंग है। 2004 जब अटल जी की सरकार गई, 2004 में यूपीए सरकार की शुरुआत हुई और यूपीए सरकार के पहले बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर करीब 90,000 करोड़ रुपये था, 90,000 करोड़ रुपीज। 10 साल सरकार चलाने के बाद, यानी 2014 में यूपीए सरकार का 10वां वर्ष था,
अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर का बजट 2 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचा पाई थी, यानी 90,000 से 2 लाख करोड़। और आज कैपेक्स 11 लाख करोड़ रुपये से भी ज्यादा है।